पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत हमीरपुर बाजियुमो के नेता पंकज मिन्हास के नेतृत्व में विधायक नरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में बाजियुमो पदाधिकारियों ने 400 फलदार पौधे हीरानगर जंगल में लगाए। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत रविवार को हमीरपुर बाजियुमो के नेता पंकज मिन्हास के नेतृत्व में विधायक नरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में बाजियुमो पदाधिकारियों ने 400 फलदार पौधे हीरानगर जंगल में लगाए। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के जयराम ठाकुर ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने हमीरपुर की जनता से अपील की है कि सभी लोग 5-5 पौधे लगाएं। उन्होंने बाजियुमो कार्यकर्ताओं को पर्यावरण बचाने में सहयोग करने पर बधाई दी। देश में वन महोत्सव के उपलक्ष में हमारी सरकार ने वार फुटिंग के प्लांटेशन का काम शुरू किया हुआ है और लगभग पिछले 10-15 दिन से पूरे प्रदेश में 1,00,000 से ज़्यादा पौधे लगाने का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हमीरपुर में भी लास्ट स्केल पर प्लांटेशन की जा रही है। 3-4 जगह भी इसके पहले प्रोग्राम हुए और आज भारतीय युवा मोर्चा के साथ मिलकर हम ये हीरानगर के इस जंगल में लगभग 500 पौधे अभी लगाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हमारे जितने भी पदाधिकारी थे युवा के उन्हीं के साथ मिलकर हमने शुरुआत यहाँ पे की है और लगातार हम पौधे लगाने जा रहे हैं। इसके लिए प्लांटेशन हमारे जीवन का एक बड़ा ही अभिन्न अंग है, बिना पौधों के जीवन जो वो असंभव है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी कम से कम साल में हर व्यक्ति एक पौधा जो है वो अपने बर्थडे पर जरूर लगाए। हिमाचल प्रदेश वैसे ज्योग्राफिकली नेचुरल गिफ्टेड प्रदेश है ये और लगभग 66% जो उसमें क्षेत्रफल है वो अंडर फॉरेस्ट आता है, लेकिन आज हमारे फॉरेस्ट काफ़ी हद तक खाली पड़े हैं, बहुत कम पौधे हैं। हमारी सरकार बिल्कुल जागरूक है और आने वाले समय में हिमाचल हरा भरा रहे, इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ मिलकर हम ये कामना करते हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट के मामले में बहुत आगे निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।